तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त उमर अब्दुल्ला गांधरबल पहुंच चुके हैं। गांधरबल से उमर पहले तो उनके कागज मंजूर होने दीजिए, उसके बाद हम उनके एजेंडा के बारे में सुनेंगे। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं, बीजेपी को रोकने का क्या तरीका है उनका, क्योंकि ये बात तो साफ है और अखबारों के जरिए ये खबर भी आना शुरू हो गई है कि बीजेपी की मुकम्मल कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो है वो कश्मीर से कामयाब हो, ताकि कल को इन आजाद उम्मीदवारों के साथ जो है ये लोग हुकूमत बनाए। लेकिन इस चीज की मुझे नहीं लगता है वोटर इजाजत देगी। जब नतीजे निकलेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त जो है ना बीजेपी की ये साजिशें जो है वो कामयाब होंगी। अभी गांधरबल के कागज भरे ना, आप गांधरबल की बात करें तो बेहतर हो। जनाब कौन कहां से है कहां से नहीं है, गांधरबल के लोगों ने मुझे एक बार नहीं तीन बार पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पे और एक बार एमएलए के तौर पे, इशाक जबार एमएलए तभी बने जब ये सीट मैंने उनके हवाले की। अगर 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा होता इशफाक जबार जीतते नहीं। इशफाक जबार अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने गांधरबल की सीट सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने उनको जबान दी थी, मैंने उनके साथ वादा किया था, लेकिन वो उस वादे के बराबर उतर नहीं आए। उन्होंने गांधरबल के लोगों के साथ धोखा किया। 2014 के बाद गांधरबल में जितने भी काम थे वो सारे रुक गए, इसलिए आज मजबूरन हमें जहाँ इशफाक जबार या बाकियों के खिलाफ जो है आज हम इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं ताकि वो सारे काम जो 2014 के बाद रुक गए उनको हम दोबारा से शुरू करें और गांधरबल में एक नई तरक्की का दौर जो है वो शुरू हो जाए।